इस वीडियो में आपको बताऊंगी दो सेलिब्रिटी डिजाइन है जो कि काफ़ी सुंदर है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और देखिए ये नीचे इसका अस्तर है, तो ड्राफ्ट अस्तर पर कर लेते हैं। अभी आपको स्लीव की लंबाई बता देती हूँ। देखिए मैंने 6.5 इंच ली है और इसकी जो विड्थ ली है मैंने 10 इंच ली है। ये 40 साइज़ के ब्लाउज में लगाऊंगी और अभी हम इसमें डिजाइन ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ये कोल्ड स्लीव आएगी तो शोल्डर से 2 इंच ले लेंगे, 2 इंच पर इस तरीके की डॉट लगा देंगे। और इसके बाद यहाँ से भी हम ऊपर से भी 2.5 इंच लेते हैं, 2.5 इंच से, और यहाँ पर इस तरीके की शेप दे देते हैं। तो ये ऊपर से इस तरीके की शेप आएगी। अभी यहाँ पर हम 1.5 इंच छोड़ देते हैं। 1.5 इंच छोड़ने के बाद इस तरीके से यहाँ से इस तरीके की शेप दे देंगे और इसको सेम ड्राफ्ट पर कट कर लेंगे। अभी आपको सिलने का तरीका बताती हूँ। देखिए स्लीव को मैंने नीचे सीधा रख लिया है, इसके ऊपर ये अस्तर रख लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टिच डाल देंगे और इसको पलट देंगे और फिर एक सिलाई हम यहाँ पर भी डाल के एक साथ ही दोनों साइडों के पीसों को पलट देंगे। तो सिलाई स्टार्ट करते हैं। कि इसको मैंने स्टिच भी कर दिया है, जो एक्स्ट्रा पार्ट था इसको कट कर दिया है और अभी हम इसको पलट दें। तो देखिए मैंने ये सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली है पलटने के बाद। और देखिए ये 1.5 इंच चौड़ा और 1.5 इंच लंबा चौकोर पीस ले लिया है। इसके हम ट्रायंगल बनाएंगे, इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और फिर इस तरीके से एक बार फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक बार फिर से इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं। तो ये हमारा इस तरीके का ट्रायंगल तैयार हो जाएगा। यहाँ पे सिलाई डाल, इसी तरीके से ये मैंने 3 ट्रायंगल तैयार कर लिए हैं। अब ये तीनों ट्रायंगल को हम यहाँ पे एक को ये जो वी कट है इसमें रखेंगे और दो को साइड में। तो यहाँ पे इस तरीके के आएंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई डाल देते हैं और फिर इसमें लेस लगा के इसकी फिनिशिंग दे देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने डबल स्टिच डाल दी है और सेम इसी तरीके से ऊपर भी लेस लगा दी है। और देखिए मैंने ये टुकड़ा लिया है, इसको मैं इस तरीके से फोल्ड कर दूँगी और यहाँ पे इसकी गुलाई देके कटिंग कर ले। देखिए अस्तर भी ले लिया है तो नीचे अस्तर रख लेंगे, इसके बाद इसको उल्टा रख लेंगे और किनारे पर सिलाई डाल के इसको पलट देंगे। तो देखिए मैंने इसको दोनों साइड में स्टिच कर दिया है और अभी यहाँ पर फोल्ड करके किनारे पर सिलाई डाल देंगे। देखिए इस तरीके का ये कैप तैयार हो जाएंगे। तो एक स्लिप के लिए 3 कैप चाहिए तो मैंने 2 स्लिप के लिए तैयार कर लिए हैं। और देखिए अभी हम इनको डिज़ाइन करते हैं। तो ये कैप के अंदर से हम ये धागे को निकाल, देखिए मैंने कुछ गोल्डन कलर के मोती लिए हैं तो इन मोतियों को हम यहाँ पर डाल दें। तो दो साइड वाले जो रहेंगे ट्रायंगल उसमें हम 4-4 मोती डालेंगे और जो सेंटर वाला रहेगा उसमें हम 6 मोती डाल देंगे क्योंकि वो थोड़ा सा नीचे की तरफ रहेगा। तो पहले 6 मोती वाला कर लेते हैं। 3 वाला ही स्टिच कर दिए हैं। देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल बीच में आएगा, दोनों साइड के एकदम बराबर रहेंगे क्योंकि बीच में 2 मोती हमने एक्स्ट्रा डाले हैं। जो ट्रायंगल बनाए थे उसमें एक एक मोती डाल दिया है और ऊपर ये कोल्ड स्लीव रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि पहनने के बाद इसका लुक जो है काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सी स्लीव डिजाइन, इस वीडियो में आपको बताऊंगी स्लीव की बहुत ही सुंदर डिजाइन कैसे बने। देखिए मैंने स्लीव कट कर लिया है, साइज बता देती हूँ। इसकी लंबाई 9.5 इंच ली है मैंने और देखिए इसकी विड्थ 10 इंच ली है और इसकी मैं एल्बो स्लीव तैयार हो जाएगी। और देखिए ये पट्टी मैंने कट की है, ये 3.5 इंच चौड़ाई में और मोहरी के हिसाब से हम ले लेंगे जो कि हमारा ये नीचे इसमें इस तरीके का बॉर्डर आएगा। और देखिए एक और पट्टी कट करी है, इसका साइज बता देती हूँ। ये मैंने 5.5 इंच ली है इसकी चौड़ाई। अभी इस पट्टी को हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, यहाँ पर किनारे पर सिलाई डाल देंगे, इसको पलट देंगे, उसके बाद फिर इसको डिजाइन देंगे। और जो स्लीव है ये दोनों साइडों में पॉइंट दे देते हैं, मोहरी में भी और शोल्डर पे भी जो हम डिजाइन देंगे तो ये डिजाइन हमारी बराबर से आ सके। तो देखिए जो चौड़ी वाली पट्टी ली है इसको मैंने किनारे पर स्टिचिंग डाल दिया है, अभी इसको पलट देते हैं। देखिए इस पट्टी को बीच में से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद कोई भी कलर का धागा ले लें, जैसे मैंने ये पिंक कलर का ले लिया, यहाँ से इस तरीके से इसकी, तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से इसको धागे को टाइट कर दिया है। एक मैंने बटन ले लिया है और बटन को यहाँ पर स्टिच कर दूँगी। तो देखिए इस तरीके से हमारे ये डिजाइन जो है तैयार हो चुकी है और अभी स्लीव को तैयार कर। देखिए यहाँ पर जो मैंने पॉइंट दिया है अभी हम प्लेट डालना स्टार्ट करते हैं। तो आप अपना मोहरी का साइज ले लें, जो भी आपकी मोहरी है उस हिसाब से पहले आप कपड़ा छोड़ दें
जैसे मैंने यहाँ पे 5 इंच छोड़ दिया इस साइड में और 5 इंच इस साइड में छोड़ दूँगी, दोनों साइडों में 5-5 इंच छोड़ देंगे। आपका जो भी साइज है उस हिसाब से आप छोड़ दें। अभी हम यहीं से प्लेट डालना स्टार्ट करें। इस तरीके से ये प्लेट हमारी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अभी हम ऊपर की तरफ चलते हैं, तो ऊपर की तरफ भी इसी प्लेट को हम यहाँ पर इस तरीके से लाएंगे और ये ऊपर गैप दे दे के स्टिच करेंगे प्लेट को। देखिए जो कपड़ा लिया था मैंने ये फिनिशिंग के लिए, इसको नीचे की तरफ रख लेंगे और यहाँ पे सिलाई डाल देते। तो देखिए मैंने इसकी साइड फिटिंग कर दी है और यहाँ पे भी स्टिच डाल दिया था, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा बटन आ रहा है। और देखिए ये यहाँ पर कितनी सुंदर ये डिजाइन दिख रही है मोहरी में भी। और ऊपर की तरफ देखेंगे तो देखिए ये फ्रिल जो है हमारी इस तरीके की शोल्डर पर ये पफ बन जाएगा, यहाँ से ही स्टार्ट होगा और शोल्डर पर जाके काफ़ी अच्छा लुक आ जाएगा। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर से स्लिम डिजाइन बना सकते हैं कुर्ती या ब्लाउज। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।